विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सार्वजनिक दुर्गा पंडाल के पुराने दिए निर्देशों को बदलने हेतु मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नाम ज्ञापन स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। उक्त जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष सौरभ रघुवंशी ने बताया कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा अस्थायी पंडाल के राज्य शासन के अनुचित निर्णय को बदलने हेतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम ज्ञापित ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद विभाग सहमंत्री शिव राठौड़ के मार्गदर्शन एवं जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अवस्थी, जिला गौरक्षा प्रमुख नीलेश राठौड़ आदि की उपस्थिति में स्थानीय तहसील परिसर में नायब तहसीलदार महामहिम मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपा गया। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की नगर समिति ने जो मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक दुर्गा पंडाल के बारे में एक असंवैधानिक और अव्यवहारिक जो नियम एक लगाया है कि आप 10x10 के अंदर ही अपनी देवी जी की स्थापना करेंगे, तो ये एक अव्यवहारिक निर्णय है, क्योंकि देवी जी की हाइट 6 फुट और उनके हाथों का जो फैलाव है लगभग 6 फुट वो, प्लस उसमें हम जवारे भी बोते हैं, हम जो अखंड ज्योति भी जलती है, एक पंडित जी बैठते हैं वहाँ, दुर्गा पाठ भी करते हैं, तो हमको लगभग एक बड़ा स्पेस चाहिए। बाकी सब उनके नियम हमको मानने हैं कि हम हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र करेंगे, मुंह में मास्क बांधेंगे, लेकिन हमको जगह के हिसाब से जो उनका निर्णय वो गैर अव्यवहारिक है, और इसलिए हमने ये अपने गृह मंत्री जी के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है हमारे आदरणीय शिवजी राठौड़ जी, हमारे सनूप भाई जी और सबके नेतृत्व में, कि ये निर्णय पर आप पुनः विचार करें और हमें और ज़्यादा बड़ा स्पेस दें ताकि हम अपने दुर्गा जी की स्थापना पूरे श्रद्धा भाव के साथ करें और हम नौ दिन तक उनके पूजा पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। इसके संदर्भ में आज हमने ज्ञापन सौंपा है।